हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वर्षा इन्फो रेबिट केयर में। आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं कि हम खरगोशों को क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, और सभी बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पता तो हमें ही है जो हम पालते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपको पता चले और आप अपने घर में जो खरगोश पालते हो तो उनका अच्छे से देखभाल कर सके, और क्या उनके लिए सही है क्या गलत है ये भी ध्यान रहे, तो फिर दिक्कतें खड़ी नहीं होती हैं। तो हम ऐसा करके आपको जो खाना सही है खरगोश के लिए अच्छा होता है वो भी बताएंगे, और जो नहीं खाना सही है वो भी हम बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम खरगोश के बारे में ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, खरगोश को गोभी बहुत खिलानी चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च और शर्करा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनको गोभी खिला सकते हो, पहले नंबर। ठीक है दोस्तों। नंबर दो, दाना, घास और जो रसोई में बचता है जो खाना, खाना मतलब मत बोलिए जैसे वो रोटी चावल वो नहीं, जो सब्जियां हम लाते हैं और जिसमें से हम बचा सकते हैं, हम वो जो होता है वो खाना उनको दे सकते हैं। और अगर बड़ा खरगोश है तो उनको 100 या 200 ग्राम आप दाना उनको आराम से दे सकते हो, बड़ा अगर हो तो। छोटा हो तो ये देख लेना, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, 100 से लगा कर 200 ग्राम। मैंने एक बड़े खरगोश के बारे में बताया है। और ख़ास करके जो तीसरे नंबर पे आता है, हरी घास, दूध जो होता है बचा हुआ जो दूध, खाने योग्य खरपतवार आप दे सकते हो। और ख़राब फल जो हम फल लाते हैं जिसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, जैसे हम नहीं खा सकते हैं तो उनको काट कर अच्छे से जो ख़राब ख़राब है वो निकाल देना है और आप उन्हें दे सकते हैं, मतलब साथ में अलग अलग। ऐसा नहीं कि आप खाली फल ही खिला दोगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि घास भी देनी है, दाना भी देना है, वो सब। तो ये इनकी डाइट होती है जो आप मेंटेन करना होता है। चौथे नंबर में अपन सलाद में उनको क्या क्या दे सकते हैं, मान लो तो आप उन्हें सरसों का साग दे सकते हो, मूली दे सकते हो, गाजर दे सकते हो, और जो रोमन का गहरा पत्ता होता है वो भी आप इन्हें दे सकते हो। ये होगी इनके सलाद की बात। और ये हो गया मतलब इनको क्या देना चाहिए। ठीक है। खास करके इनका जो मुख्य भोजन जो होता है वो वही होता है, हरी घास, पत्तियाँ, सूखी घास और ऐसी चीज़ें आप इन्हें दे सकते हैं। और जो वो दाना वगैरह साथ में आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो हरी घास वगैरह खा नहीं पाते हैं तो वो साथ में देते रहते हैं, तो उनका मतलब चलता रहता है, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, तो जो इस तरह से। अभी हम बताएंगे आपको उनको क्या नहीं देना सही है। ये तो हो गए खाने में देना सही है, और अभी बताएंगे क्या नहीं देना सही है। तो फिर पहले नंबर पे जो बात आती है वो है केला या पालक आप खरगोश को नहीं खिलाना। ठीक है। इसमें मतलब ऑक्सलेट और गोइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो ये इनके लिए तकलीफ देगा, हो सकता है इनको ये नहीं देना है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है चावल, पक्का या कच्चा कैसा भी हो नहीं खिलाना चाहिए। आप हम सब में घर में जैसे चावल तो सब घर में बनता है,
तो कभी कभी क्या होता है कि बसा हुआ होता है, या अब मान लो ऐसे ही हम खिला देते हैं तो ये इनके लिए सही नहीं है। चाहे पका हुआ हो, कच्चा हो, कैसा भी हो, चावल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इसमें चावल में फाइबर कम होता है और पोषक तत्व नहीं होते, इस वजह से इनको नहीं देते हैं, ठीक है। पेट दर्द भी हो सकता है उनको, दस्त भी लग सकती है, तो फिर ये तकलीफ हो जाती है ना। तीसरे नंबर पे जो आता है, प्याज खरगोश को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका जो रक्त संबंधित समस्या होती है वो बढ़ सकती है। प्याज इनके बिल्कुल भी सही नहीं है इनके लिए। ऐसा नहीं है कि अपन दे दे तो वो घर में तो सभी के घर में रहता है, मगर हमको वो पता होना चाहिए कि क्या देना है क्या नहीं देना है, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों। फिर आती है चौथे नंबर पे, खरगोश को मिठाई चाहे कोई भी तरह की हो, मिठाई का नाम आते ही मुंह में मीठा हो जाता है, आप सुन सकते हो, नाम बोलते ही मुंह मीठा हो गया, तो मिठाई कैसी भी हो मीठी तो होगी, और अगर मीठी होगी तो फिर इनके लिए वो सही नहीं है। तो मतलब मिठाई इनको बिल्कुल भी नहीं खिलानी है। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत खिला दिया और इनके लिए, तो थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिठाई इनको नहीं खिलाना। पाँचवें नंबर पे आता है, आप सारी बातों को, जो एक ही बात है, आप खरगोश को हरी घास खिलाइए, सूखी घास खिलाइए, और आपके खरगोश दिन और रात मतलब 2400 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए ये जो हरी घास, सूखी घास, पत्ते, ये इनका जो है फेवरेट बोल सकते हो आप इन्हें, इनका पसंदीदा बोल सकते हो, इनके डाइट के लिए भी सही है, और साथ में वो दाना वगैरह आप दे सकते हो। बाकी जो अहम बात है वो है इनको हरी घास, सूखी घास दिन रात इनको मिलनी चाहिए, तभी खरगोश की डाइट सही रहेगी। तो ये सब था दोस्तों, चलते हैं फिर और मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप बताना ज़रूर आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, अगर इसमें कुछ गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना, और हमें कमेंट करके बताना कि और आगे क्या कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वर्षा इन्फो रेबिट केयर में। आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं कि हम खरगोशों को क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, और सभी बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पता तो हमें ही है जो हम पालते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपको पता चले और आप अपने घर में जो खरगोश पालते